कहानी 42 यीशु स्वर्ग लौट जावे है। जिकै दिन परमेश्वर यीशु ने मरिया मु जीवित करयो हो बिंगा दो चेला कन्ने ही गांव में जाए आवे हा। चलता होया बे यीशु गे सागे जिको होयो हो बिंगा बारे बातां करे आवा हा। बने उम्मीद ही के बो मसीह हो पर फिर भी बो मारियो गयो। अब बे स्त्रियां कहवे है के बो फिर जीवित हो गयो है। बे कोनी जानता हा के बा बी बात पर विश्वास करनो है। यीशु बांगे कन्ने आगे बांगे सागे चालनो शुरू करयो पर बे बिना पहचान कोनी सकया। बने पूछो के बे की बारे में बात करे आवे है। बा बिने पिछले दिना में यीशु सागे होई सारी घटना के बारे बतायो। बा सोचो के बे की प्रदेशी सागे बातें करे आवे है जिको कोनी जाने कि यरूशलेम में के होयो है। फिर यीशु बा ने समझायो कि परमेश्वर को वचन मसीह के बारे में के कहवे है। बहुत पहला भविष्यवक्ता क्यों हो के बुरा लोग मसीह ने पीड़ित करेगा और मार देगा पर भविष्यवक्ता ओ भी क्यों हो के वो तीसरे दिन जी उठेगो। जद बे भी गांव में पहुंचा जठे बे दो जन ठहरनो चाहता हा तब ताई लगभग शाम होगी ही। बा यीशु ने बंगे सागे ठहरन खातिर आमंत्रित करयो अत वो बंगे सागे एक घर में गयो अपनो शाम को भोजन खान खातिर बे बैठ गया। यीशु एक रोटी ले गए बिंगे खातिर परमेश्वर को धन्यवाद दियो और फिर बिना तोड़ गए अचानक ही बां जान लियो के वो यीशु हो पर बी समय वो बांगी आंखा सामणु ओझल हो गयो। बा दो जना एक दूसरे ने कहो वो यीशु हो। ई खातिर जद बने माने परमेश्वर को वचन समझायो हो तो मैं बहुत उत्साहित हा। जद ही बे निकल गए वापिस यरूशलेम गया। जद बे पहुंचया तो बा चेला ने बतायो यीशु जीवित है मैं बिना देखियो है। जद चेला बात करे आवा हा तो यीशु अचानक भी कमरे में बांगे सागे प्रगट होयो। बने कहो थाने शांति मिले। चेला सोचो के बो कोई भूत है पर यीशु कहो थे क्यों डरो हो थे ओ क्यों कोनी सोचो के सचमुच मैं यीशु हूँ। मेरे हाथा और पैरा ने देखो भूतां कन्ने हिस्सो शरीर कोनी होवे जिको मेरे कन्ने है। ओ दिखाण खातिर के बो कोई भूत कोनी। बने खाण खातिर कुछ मांगियो बा बिना मछली गो एक टुकड़ो दियो और बने बिना खा लियो। यीशु कहो मेरे बारे में परमेश्वर को वचन जिको कुछ भी कहवे है वह घटित होवे गो। मैं थाने बता दियो हो के इंगो होनो अवश्य है। फिर यीशु बने परमेश्वर को वचन अच्छी तरिया समझायो। बने बहुत पहला भविष्यवक्ता लिखियो हो के मसीह ने दुख उठानो होवे गो मरनो होवे गो और तीसरे दिन मृतका मुंह जी उठनो होवे गो। बा भविष्यवक्ता ओ भी लिखियो हो के मेरा चेला परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा बे हर एक ने पश्चाताप करने खातिर बतावेगा। जे बे इया करे है तो परमेश्वर बांगा पाप क्षमा करेगो। मेरा चेला ई संदेश को प्रचार करनो यरूशलेम मु शुरू करेगा। फिर बे सारी जगह सारी जातियां में जावेगा थे लोग मेरी हर एक बात अर काम का गवाह हो जिको मैं क्यों अर करयो है अर बी सब गो भी जिको मेरे सागे होयो। अगले 40 दिना के दौरान यीशु अपने चेला पर कई बार प्रगट होयो। एक बारी तो वो एक ही समय पर 500 मुंह ज्यादा लोगों पर प्रगट होयो। बने अपने चेला पर कई तरीका मुंह साबित करयो के वो जीवित है अर बने बने परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी। यीशु अपने चेला ने कहो परमेश्वर मन्ने स्वर्ग और पृथ्वी के हर एक जन पर राज करने को अधिकार दियो है। ई खातिर अब मैं थाने क्यों हूँ जागे सारी जातियां गए लोगों ने चेला बनाओ इया करन खातिर हे बाने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नामु बपतिस्मो देनो है। जिकी कुछ भी मैं थाने आज्ञा देई है सारी बाता ने मानो भी थे बाने सिखानो है। याद राखियो मैं सदा थारा सागे रहूंगा। यीशु मरिया होया मुंह जी उठन गए 40 दिन बाद बने अपने चेला ने कहो जद ताई मेरो पिता थाने सामर्थ ना देवे तब ताई यरूशलेम में ठहरिया रहियो वो थारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजण गए द्वारा इया करेगो। फिर यीशु स्वर्ग में चलियो गयो और एक बादल बिने बांगी दृष्टि मुँह छिपा लियो। स्वर्ग में यीशु सारी चीजा पर राज करन परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गयो।